दोस्तों बात है 1994 की और मैं एक मेरी सेरेमनी के वजह से असम का शहर मानकाचर गया हुआ था। उस समय बॉलीवुड के दो म्यूजिक एल्बम दिलवाले और खुददार जबरदस्त हिट चल रहे थे। तो उस शादी में गेट पकड़कर बारातियों के तरफ से हमें 1000 रुपया मिला था। जब बारात चले गए तो हमने सोचा क्यों ना रात को 2-3 फिल्में देखा जाए। दोस्तों आपको बता दें, उस जमाने में हमारे इस रीजन में फिल्म देखने का एकमात्र जरिया था वीडियो प्लेयर। तो हमने किराए पे वीडियो लाया। उस रात हमने 3 फिल्में देखा था। नंबर 1 बंगाली फिल्म अमर संगी, नंबर 2 मिथुनदा का फिल्म दलाल और नंबर 3 बाजीगर जैसे हिंदी फिल्में। सभी फिल्मों को हमने बहुत ही एंजॉय किया। ये तीनों ही फिल्में हिट था उस जमाने में। और बाजीगर देखने के बाद हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, ये डायलॉग हमेशा के लिए मन में बस गया। बाजीगर ये फिल्म कितना हिट है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी उस जमाने में हमने इस फिल्म का एक गजब का पोस्टर देखा था जहां बम्पर हिट लिखा हुआ था। और क्यों ना हो, फिल्म में हमें एसआरके का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलते हैं। भले ही बाजीगर हिट हुआ हो, लेकिन उस जमाने में अजय देवगन अपने एक्शन अवतार के साथ गांव में अपना कब्जा जमाए बैठे थे और ऑलरेडी उन्होंने फुलर काटे और जिगर जैसे हिट मूवी के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया था। वैसे बाजीगर मूवी से पहले किंग खान ने दीवाना, चमत्कार, दिल आशना है जैसे फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में दीवाना सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के साथ हमें बॉलीवुड के दो पॉपुलर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और काजल देखने को मिलते हैं। यह शिल्पा शेट्टी के पहले फिल्म तो काजल के दूसरी फिल्म थी। तो दोस्तों यह था बाजीगर फिल्म संबंधित कुछ रोचक बातें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।